आज मॉन्ट्रियल की पहली स्नोफॉल हो चुकी है, पर एज़ यूजल हम कैनेडा रहते हैं तो काम पे तो जाना ही है, तो हम निकल चुके हैं काम के लिए। अभी मेट्रो स्टेशन हम पहुंच गए हैं, बाहर आपको बर्फ़ दिखाते हैं कि कैसी सिचुएशन में है अभी बर्फ। क्या बोला तूने? तो गाइस अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, या और भी पड़ती है क्योंकि, बट जैसे ये स्नो अभी यहाँ सेटल होगी तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी टेम्परेचर केवल -2 -3 तक गया। वाली मैं आपको कैसा लग रहा है? आपके पहला स्नोफॉल है और आप काम पे जा रहे हो, गजब बेइज्जती है। A few moments later. डेडिकेशन चाहिए इस सर्दी में भी यहाँ के लोग सीख रहे थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर व्यू होता है स्नो। मेरी पहली स्नोफॉल मॉन्ट्रियल की नहीं है, मेरी पहली स्नोफॉल, मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल मैं देख रही हूँ। तो आई वुड सीरियसली से कि ये बहुत सुंदर होता है। इट लिटरली फील्स सो हेवनली जब ये स्नो यू सी फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। अभी ये बिल्कुल छोटे सॉफ्ट कॉटन बॉल्स की तरह लग रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम आएगा ये पत्थर की तरह भी बजेंगे। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। तो उस सर्दी से बच के रहना है स्पेशली, क्योंकि यहाँ की सर्दियाँ बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकती हैं। आपके फ्रॉस्टबाइट वगैरह हो गया, ग्लव्स नहीं पहनते हो अगर, तो काफ़ी प्रिकॉशंस भी होते हैं यहाँ की विंटर्स में लेने। तो गाइस पंचन हम कर चुके हैं हमारे काम का, एंड अब जब तक काम पे है तब तक तो स्नो की ऐसी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग्स वगैरह चालू रहती है हर जगह, अंदर के एरियाज में, घर में, फैक्ट्रीज में, हर जगह पे। पर जैसे ही अभी हम जाएंगे घर पे, 4 बजे के करीब हम घर जाएंगे, तब देखने लायक होगा बाहर का, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग स्नोफॉल होती रहेगी यहाँ पर। एज इन अभी सुबह के 7 बज रहा है एंड 2 बजे तक यहाँ पे स्नोफॉल दिखा रहा है वेदर, बट हाँ यहाँ का वेदर ट्रस्ट वर्दी बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता ज़्यादा टाइम के लिए हो जाए या क्या पता उससे कम टाइम के लिए हो, बट अगर लंबी स्नोफॉल रही तो बाहर का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो दिखा देता हूँ। 2000 years later. बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस काम से हम फ्री हो चुके हैं, अब हम
8 आवर्स की स्नोफॉल रही एंड काफ़ी हैवी थी। आप देखो अराउंड कितनी ज़्यादा स्नो हो रही है एंड हमारी बस भी आ गई है। सामने की तरफ एक पार्क है जो कल तक तो पार्क ही जैसा दिख रहा था बट आज इतना ज़्यादा स्नो में कवर्ड है कि ये कोई समझ नहीं सकता कि ये एक्चुअल में पार्क ही है। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्रिसमस का ट्री आप लोग देख सकते हैं क्योंकि क्रिसमस आ रहा है एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ा फेस्टिवल है क्रिसमस, तो उसी के लिए ये क्रिसमस ट्री तैयार हो रहा है। One hour later. So, हम काम से निकल गए थे जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में बताया था। अभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरा इवनिंग कॉलेज होता है एंड मेरे कॉलेज के टाइम पे अभय घर पे रहता है एंड भी स्नोफॉल जैसे कि मैंने बताया हट गई है बट काफ़ी ज़्यादा स्नो के बाद कीचड़ हो रहा है बिकॉज स्नो मेल्ट हो रही है एंड उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जितना सुंदर मॉन्ट्रियल लगता था उतना ही गंदा एट प्रेजेंट लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं आपको मेरा कॉलेज दिखाती हूँ अंदर से। आज एक मेरा असाइनमेंट है, मैं बस उसके लिए कॉलेज आई हूँ। बाकी मैं आपको पूरा मेरा कॉलेज दिखाती हूँ अभी। ओह वाओ, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जो मैंने खुद ने अभी अभी नोटिस करी है। मेरे कॉलेज के यहाँ डेकोरेशन हुआ है क्रिसमस का जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। काफ़ी मेहनत करते हैं ये लोग क्रिसमस के लिए। तो बस अभी मेरी क्लास है तो मैं आपको मेरा कॉलेज जितना दिखा सकती हूँ उतना दिखाती हूँ। कॉलेज है 8th फ्लोर पे और ये मैं मेरे कॉलेज पहुंच चुकी हूँ। हो गई हूँ एंड अभी अभय आ रहा है मेरे को पिक करने के लिए। सो अभी हमारा प्लान है कहीं आगे पीछे हम क्रिसमस की डेकोरेशन वगैरह ऐसी डेकोरेशन देखते हैं कहीं जाएंगे। सो वी लव डेट यू एंड यहाँ का काफ़ी डिफरेंस फील होगा क्रिसमस में हमको एंड आई वुड से मेरा फर्स्ट टाइम होगा ये एक्सपीरियंस लेना। Oh, I'm quite excited.
पहले मुझे पिक करने आ गया था कॉलेज पे, एंड हम लोग बाहर घूमने भी गए, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करी, एंड अभी हम फिलहाल हैं एक मॉल के अंदर जिधर हम क्रिसमस की डेकोरेशन देखने आए, जैसे कि मैंने बताया था, एंड काफ़ी सुंदर डेकोरेशन चल रही है. आई वुड से कि अभी भी इन प्रोसेस है बिकॉज अभी नवंबर आया है एंड एज हम क्रिसमस की क्लोज पहुँचेंगे यहाँ पे काफ़ी डेकोरेशन होने लगेंगी. सो एज अ स्टार्ट आई वुड से बहुत ज़्यादा सुंदर है. लुक एट दिस. So, not bad, I would say. A few moments later. So guys, जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि जब स्नोफॉल होती है तब टेम्परेचर इतना माइनस में नहीं होता है, पर एज स्नो सेटल्स डाउन तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस होना शुरू हो जाता है. सुबह जब स्नोफॉल थी तब टेम्परेचर था -1 का, एंड कल का जो टेम्परेचर दिखा रहा है वो -9 हो चुका है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस वेदर में, जिस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली व्हेन इट्स योर फर्स्ट टाइम. एंड आई विल सजेस्ट जिनकी भी फर्स्ट टाइम स्नो है या फर्स्ट टाइम स्नो फॉल या स्नो सीजन है, अरे कहना क्या चाहते हो, कनाडा के अंदर स्पेशली वो ज़्यादा ध्यान रखें, बिकॉज एज यू कैन सी मैंने भी ग्लव्स पहन लिए हैं. ग्लव्स नहीं पहनते हो अगर, एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड भी होना शुरू हो गया बिकॉज सुबह मैं बड़ा स्नोफॉल में एक्साइटमेंट में थी, बट देन अब मैं थोड़ा सीरियस हो रही हूँ उस चीज़ को लेके कि ध्यान रखना है ग्लव्स वगैरह. सो आई वुड से कि प्लीज़ सब ध्यान रखो, जस्ट बी सेफ एंड इन्जॉय एज मच एज यू कैन, बिकॉज आई वुड से कनाडा इज द बेस्ट प्लेस टू एक्सप्लोर एंड इन्जॉय ईच एंड एवरी थिंग. सो जस्ट कीप सपोर्टिंग एंड लविंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक अस. बाय. इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार. मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके. मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं. मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है. बाय.